two given vectors B and C. Parallel to two given vectors B and C. पहले हम इसकी करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म और फिर करेंगे नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म. पैरामीट्रिक फॉर्म है इसकी R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी प्लस म्यूसी. ए प्लस लैम्डा बी प्लस म्यूसी. लेट अस सी हाउ वी रीच एट दिस रिजल्ट. ये सपोज मेरे पास एक पॉइंट ए विद पोजिशन वैक्टर विच इज लाइंग ऑन द प्लेन. मुझे क्या चाहिए, दो ऐसे वेक्टर जिनके पैरेलल है मेरा प्लेन. मैं क्या करती हूँ, इसी को इनिशियल पॉइंट मान के ये एक वेक्टर और ये ए पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर है और ये दूसरा सी वेक्टर ले लेती. मेरा प्लेन बी और सी दोनों के पैरेलल है. मतलब अगर ये मेरा प्लेन है तो इसके पैरेलल ऐसे भी पैरेलल है, ऐसे ले लो तो भी पैरेलल है. Everywhere you can imagine line vector parallel to the plane. अब ये B vector इस direction में जा रहा है, C vector इस direction में जा रहा है. मैं इस पर एक point assume कर लूं, say M, एक इस पर N, such that ये जो है A M P N ये parallelogram बन जाए. A M P N इज अ पैरेललोग्राम. सी दिस इज ए एम, ये जो आपको मैं यहां बोल देती हूँ से ए ए डैश ए बी डैश. ए ए डैश इज अलोंग द वेक्टर बी एंड ए बी डैश इज अलोंग द वेक्टर सी. आई हैव टेकन अ पॉइंट एम ऑन ए डैश एंड अ पॉइंट एन और ए बी डैश राइट एंड कंप्लीटेड द पैरेललोग्राम ए एम पी एम. Now, can I take this AM as lambda v? ये था B की direction. This AM is along B. तो lambda times B. इसी तरह से ये AN. क्या मैं इसको mu c ले सकती हूँ? Where lambda and mu are scalars. अब अगर मैं ए पी को ज्वाइन कर दूं और पी का पोजिशन वेक्टर आर ले तो क्या मैं यहां कह सकती हूं ए पी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम पी. ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. आर माइनस ए. ए एम क्या है, लैम्डा बी. ये क्या है, म्यू सी. सो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू. इसमें ये लैम्डा और म्यू इन दोनों को बोलते हैं पैरामीटर्स. क्योंकि जैसे जैसे लैम्डा और म्यू को चेंज करोगे, लैम्डा और म्यू वेरिंग है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, पैरेलल तो रहेंगे बी और सी के. ये लैम्डा और सी दे आर कॉल्ड पैरामीटर्स. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स बी एंड सी. जी इसको करो फटाफट नोट, फिर हम इसी की करते हैं नॉन पैरामीटर. हाँ जी, ये बी डैश ये तो इसके अलोंग ले ना, ए बी डैश ये पूरा वेक्टर कहीं पे भी जा सकता है. एनी वेर यू कैन मार्क बी डैश. अब जरा आप थोड़ा सा सोचेंगे कि अगर आपको प्लेन गिवन है जो इस पॉइंट से पासिंग है और प्लेन दो वेक्टर्स के पैरेलल है. मैं जो अभी तक फॉर्म लेती आई हूँ दैट इज आर डॉट एम इज इक्वल टू ए डॉट एन. मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए होता और दूसरा नॉर्मल टू द प्लेन चाहिए होता. पॉइंट तो गिवन ही है मेरे पास, ए पॉइंट जहां से ये मेरा प्लेन पासिंग है. और दूसरी कंडीशन गिवन है कि मेरा प्लेन दो गिवन वेक्टर्स के पैरेलल है. तो उससे क्या आप नॉर्मल टू द प्लेन निकालने में कोई हेल्प ले सकते हो?
और अगर ले सकते हो तो क्या होगा वो बताना है आपने मुझे। अगर एक प्लेन और एक वेक्टर पैरेलल है तो जो इसका नॉर्मल होगा उसमें और इस वेक्टर में कोई रिलेशन होगा? परपेंडिकुलर होंगे। इज इट ओके? सो कैन आई से दिस एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस बी एज वेल एज टू दिस सी? मेरा प्लेन बी के भी पैरेलल है और सी के भी पैरेलल है। जब प्लेन और वेक्टर पैरेलल होते हैं तो जो नॉर्मल टू द प्लेन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब जो नॉर्मल टू द प्लेन है वो बी के भी परपेंडिकुलर है, वो सी के भी परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं एन वेक्टर निकाल सकती हूँ? अच्छा, हाँ जी। कैन आई फाइंड आउट एन वेक्टर? एन इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। सो व्हाट दिस एन वेक्टर बी? बी क्रॉस सी। बेटा ए तो पॉइंट है जहां से लाइन पासिंग, वेक्टर नहीं है ए, एक पॉइंट है। हाँ, ये इस बी वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका इनिशियल पॉइंट मान लिया मैंने इसको ए को डेरिवेशन करने के लिए। अब इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आर डॉट एन है बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। कैन आई राइट दिस एज आर बी सी इज इक्वल टू ए बी सी? क्योंकि दोनों तरफ क्या आ गया है? ट्रिपल प्रोडक्ट। सो दिस इज कॉल्ड नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स बी एंड सी। अगर किसी को कोई चीज इसमें नहीं क्लियर है तो पूछ सकते हो। यहां पे मैंने n की वैल्यू डाली है, बस n क्या था? b क्रॉस सी। यहां पर n की वैल्यू डाली, यहां पर n की वैल्यू डाली। ये ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पड़ा था a डॉट b क्रॉस c, बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे लिखते थे इसको। इसको आप लिख सकते हो, सेम ऑर्डर में चेंज कर सकते हो, b डॉट c क्रॉस a। लेकिन लेकिन इस केस में नहीं, क्योंकि जो वेक्टर्स हैं वो b और c के हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसका करना है? b और c का। अदरवाइज ये दोनों बराबर है, दोनों में फर्क नहीं है। देखो जी, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म, इन नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म when the equation in parametric form is, when the equation in the parametric form is r is equal to 1 plus s minus t into I plus 2 minus s into j plus 3 minus 2s plus 2t into k. 1 plus s minus t into I प्लस टू माइनस एस इंटू जे प्लस थ्री माइनस टू एस प्लस टू टी इंटू के। पहले तो इसको प्रॉपर पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये अभी भी नॉट इन द प्रॉपर पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होना चाहिए था? ए प्लस स्केलर टाइम अनदर वेक्टर प्लस स्केलर टाइम सेकेंड वेक्टर, उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो, फिर वहां से इसको आप नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख पाएंगे।
सबसे पहले पॉइंट निकलेगा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। अब एस वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दूं तो आई माइनस जे माइनस टू के, टी वाली टर्म्स को इकट्ठा किया तो माइनस आई, जे में टी वाली टर्म नहीं है, प्लस टू के। क्या अब आप इसको r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू सी से कंपेयर कर सकते हो? ए बी और सी तीनों मिल जाएंगे। अगर ए बी सी मिल गए तो आपको अब इसकी कौन सी फॉर्म लिखनी है? नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, मीन्स यू हैव टू राइट द आंसर इन दिस फॉर्म। करो और बताओ मुझे फाइनली आंसर क्या है। वो आ रही है टू माइनस टू आई माइनस के। अब इधर करना है आर डॉट बी क्रॉस सी, मीन्स आर डॉट माइनस टू आई माइनस के, और इधर क्या करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। ए क्या है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के एंड बी क्रॉस सी इज माइनस टू आई माइनस के। तो यहां से आ जाएगा माइनस टू और माइनस थ्री, आर डॉट माइनस टू आई माइनस के माइनस, दोनों तरफ से अगर आप निकाल दो तो फाइनली आंसर बनेगा आर डॉट टू आई प्लस के इज इक्वल टू फाइव। ठीक है जी, चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारे पास Find the equation of a plane which is parallel to the given plane. How to write equation of the plane parallel to given plane? अब सबसे पहले तो मुझे बताओ कि अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल्स में क्या रिलेशन है? ये दो प्लेन पैरेलल, इसका नॉर्मल इसका नॉर्मल, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। मैंने कहा दोनों के नॉर्मल्स का आपस में क्या रिलेशन होगा? पैरेलल होंगे। अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल्स भी आपस में कैसे हैं? पैरेलल। एक का नॉर्मल ऐसे जा रहा है दूसरे का ऐसे, सो दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका मतलब अगर मेरे पास प्लेन की इक्वेशन है ये आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, इसके नॉर्मल दूसरा प्लेन लिखना हो तो चेंज कहां पर आएगा? नॉर्मल्स तो पैरेलल है, इसके कांस्टेंट में चेंज आ जाएगा। पैरेलल का मतलब है ये एन की बजाय से लैम्डा एन हो गया, उस लैम्डा से ये कांस्टेंट कैंसिल होगा या जो भी कुछ होगा, तो चेंज किस में आएगा? सिर्फ कांस्टेंट में। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस प्लेन विल बी आर डॉट एन इज इक्वल टू डी वन। कुछ भी कर सकते हो, इसको कॉन्स्टेंट को चेंज करना है, जो मर्जी लिख लो। इसी तरह से अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, इसके पैरेलल प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी वन। जिस मर्जी फॉर्म में चल रहे हो, चेंज इज ओनली इन द कांस्टेंट टर्म। और ये जो नया कांस्टेंट आया है इसको निकालने के लिए क्वेश्चन में एक और कंडीशन आपको प्रोवाइडेड होगी। सपोज कह दें कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है या किसी और चीज के परपेंडिकुलर है, कुछ भी, एनी अदर कंडीशन मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन टू फाइंड आउट दिस न्यू कॉन्स्टेंट। ओके, राइट ऑन द क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 4, minus 2 and parallel to the plane
and parallel to the plane minus 2x plus y minus 3z is equal to 7. Equation of the plane passing through the point 1, 4, minus 2 and parallel to the plane minus 2x plus y minus 3z is equal to 7. मुझे इसके पैरेलल प्लेन चाहिए सो चेंज इज ओनली इन द कांस्टेंट. हाउ टू गेट दिस कांस्टेंट? ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यूज डाल दें. माइनस टू प्लस फोर प्लस सिक्स इज इक्वल टू लैम्डा, एट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा. हाँ जी, यहाँ एट इधर ले आओ तो माइनस एट, आप इसको लिख सकते हो 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 8 इज इक्वल टू, जैसे मर्जी छोड़ सकते हो या ऐसे कर दो या ऐसे कर दो जा सकते हो. हाँ बस सोच नहीं करना, ठीक है जी. हाँ कौन सा मेथड दूसरा बोलो? बिल्कुल कर सकते हो, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, तो उससे करोगे तो क्या आएगा n वेक्टर क्या होगा? और a क्या है? i प्लस 4j माइनस 2k डॉट माइनस 2i प्लस j माइनस 3k, ठीक है जी. अब यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6, वही चीज नहीं आएगी. और जब यहाँ r को x y z डालोगे तो क्या वही वापस नहीं आ जाएगा? माइनस 2x प्लस y माइनस 3z माइनस 8 इज इक्वल टू 0. मैंने क्या कहा था कि जब आपको इक्वेशन लिखनी होती है प्लेन की पैरेलल टू द गिवन प्लेन तो क्या करना होता है? सिर्फ कांस्टेंट में चेंज करना है. माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू लैम्डा कर दिया. अब ये प्लेन गिवन है, इस पॉइंट से पासिंग है, तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दी 1, 4 माइनस 2 लैम्डा निकाल दी. नेक्स्ट हमें करना है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या मिलता है? पॉइंट मिलता है. जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर होंगे? नहीं. जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगी. अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो, एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या मिलता है? ये आपका एक्स, ये वाई, ये जेड, एक्स वाई जेड. मैं कह रही हूं एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन दोनों नहीं है एक प्लेन की जो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पासिंग है. मतलब ऐसा प्लेन जो इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रही है उससे पास करेगा, समझ गए? अगर एक प्लेन की इक्वेशन मैं ले लू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड में ए वन प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो, दूसरा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन से पासिंग प्लेन होगा वन प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स अनदर प्लेन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन.
ये कार्टेशियन फॉर्म में भी ले सकते हो, वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हो. कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, r डॉट n2 इज इक्वल टू d2. आई टेक इट लाइक दिस. द इक्वेशन विल बी r डॉट n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स r डॉट n2 माइनस d2 इक्वल टू 0. हाँ जी, दोबारा बोलो. हाँ बेटा, कार्टेशियन फॉर्म मीन्स यू आर हैविंग आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड. वेक्टर फॉर्म मीन्स आंसर सिर्फ इस फॉर्म में छोड़ दिया, आर डॉट एन इज इक्वल टू वे डॉट एन. यहाँ पर आर की वैल्यू डाल करके एक्स वाई जेड में नहीं कन्वर्ट करना. अगर मैं आंसर को सिर्फ इस फॉर्म में लिख दूं, आर डॉट से आई माइनस टू जे प्लस थ्री के इज इक्वल टू फाइव, दिस विल बी कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म. मैं आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के में कन्वर्ट करके एक्स वाई जेड की टर्म में आंसर लिख दूं, तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है जी, क्वेश्चन लिखो जरा बेटा. मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन होता है. एन वेक्टर अगर ये है, ए डॉट एन अगर पांच है, तो ये फॉर्म क्या हुई? वेक्टर फॉर्म हुई. हाँ, इसमें एक है आर डॉट एन वन इज